डीडी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। छत पर बागवानी कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी दिवाली के त्यौहार का आनंद ले चुके हैं, आप भी इसको खूब एंजॉय कर चुके होंगे। साफ सफाई तो खूब कर ली, डेकोरेशन खूब कर ली, लेकिन अब दिवाली के बाद बारी आती है कि पूजा का जो वेस्ट बचा है उसका क्या करें। जो हमने इतनी सारी डेकोरेशन की थी, अब उसके बाद उसका क्या किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। बता दें आपको कि ये सब चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद हैं, जिसे हम एक वेस्ट के तौर पर ले रहे हैं, इसे हम क्रिएटिवली रीयूज कर सकते हैं। कैसे, आइए इसके बारे में जानने के लिए रुख करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट का। नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सबने दीपावली का पावन त्यौहार बड़े अच्छी तरीके से मनाया होगा और दिवाली की पूजा तो धूमधाम से करी होगी। अब ऐसे है कि हम जब दिवाली की पूजा करते हैं, उसके बाद दिवाली की पूजा का सामान का क्या करते हैं। नॉर्मली हम उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, किसी कूड़ेदान में डाल देते हैं या सड़क के किनारे में फेंक देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ को हम पूजा मानते हैं उसे हम बाद में फेंक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम मैं आपको बताती हूँ कि जो दिवाली के पूजा की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बाहर फेंकते हैं, उन्हें हम कैसे अपने घर में इस्तेमाल करके उसे अच्छी तरह से पर्यावरण के शुभ कारक में करें और उनको अपने हानिकारक ना करके लाभदायक बनाएं और बगीचे की सुंदरता को और बढ़ाएं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली की पूजा के सामान जिसे हम फेंकते हैं उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले, हर घर में आपको ये फूल मिलते हैं, चाहे वो गेंदे के हों, चाहे वो गुलाब के हों, चाहे गुलदौरी हो, इन्हें हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इससे हम बढ़िया खाद अपने घर में बनाते हैं, जो हमारे बगीचे में काम आती है और उससे हमारे पौधों में हरियाली फैलती है और वो तंदुरुस्त रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि खाद बनाने के लिए हमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत है। ये एक खाली गमला मिट्टी का, इसमें मिट्टी चाहिए, घर के बचे हुए जो हमारी दिवाली के पूजा के फूल हैं, एक कटोरी दही और एक कटोरी गुड़, और साथ में ये एक ढकना चाहिए लास्ट में इसे ढकने के लिए। अब मैं बताती हूँ आपको कि खाद कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं एक खाली गमला, ये देखिए ये खाली गमला है, ठीक है। इसमें हम ये एक छोटा सा पत्थर इसलिए देते हैं ताकि इसके नीचे की मोरी बंद हो जाए, कोई एयर ना जाए इसमें, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी, कम से कम 2 से 3 इंच मिट्टी इसमें डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे सूखे हुए फूल, ये देखिए हमने इसमें फूल डाले थोड़े से, ये देखिए। अब इसके बाद हम थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे इसे कवर करने के लिए, ये देखिए हम मिट्टी डाल रहे हैं। अब हम दोबारा इस पे फूल डालेंगे, अब इसके बाद हम इस पे मिट्टी और डालते हैं। ये देखिए हमने फिर से फूलों को ढक दिया है। अब इसके बाद हम इसमें घर का दही डालेंगे। दही क्यों डालेंगे, क्योंकि दही फर्मेंट करता है और खाद को अच्छे और जल्दी बनाता है। ये देखिए हमने इसमें दही डाला,
इसको हम थोड़ा हाथ से मिलाते हैं और फिर इसके बाद हम और इसमें थोड़ी मिट्टी डालते हैं। अब हम इसके बाद इस पे फूल डालेंगे। इसको पूरा भर देते हैं, पूरी मिट्टी को भर के इस पे फूल डाले हैं। ये देखिए, अब हमने इसको फूलों से भर दिया है। अब इसके बाद हम मिट्टी डालेंगे, इससे इसको भर दिया मिट्टी से। ये देखिए, इसे हमने मिट्टी से भर दिया है। इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें गुड़। हम इसमें गुड़ क्यों डालते हैं? गुड़ जो होता है वो मीठा होता है, जितने माइक्रोब्स होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हमारी खाद जल्दी बनती है और अच्छी बनती है। अब ये देखिए, हमने इसमें गुड़ डाल दिया। अब हमारी ये खाद सारी तैयार है यहाँ पे। इसको अब हम ढकेंगे इसे कि क्योंकि इसमें हवा ना जाए और हमारी बढ़िया खाद तैयार हो जाए, जो कि 25 से 30 दिनों में खाद हमारी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये जो हमारी खाद तैयार हुई हुई है, ये देखिए कितनी फाइन है। और इस खाद को अगर हम एक 12 इंच वाले गमले में एक बड़ा चम्मच डालें, वो काफ़ी होती है अपने प्लांट को ताकत देने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली की पूजा में जो हम कच्चा दूध चढ़ाते हैं, जिसमें हम चावल डालते हैं, थोड़ी चीनी डालते हैं, उसमें रोली भी डालते हैं, उस दूध को हम अगर ना फेंके इधर उधर और उसे हम इकट्ठा करके अपने पौधों में डालें, तो उसको पौष्टिक आधार मिलता है। जैसे कि मैंने किया है, अपने कच्चे दूध को जो पूजा से उठाया हुआ है उसको मैं यहाँ लेके आई हूँ और अपने पौधे में डाल रही हूँ। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने अपने पूजा के सामान को बाहर ना फेंक के अपने पौधों को दिया है, जिससे हमारे बगीचे की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इससे फूल बढ़िया खिलते हैं, इसके पत्ते में हरियाली आती है और इसके जो रूट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो देखिए, हम ना फेंक के अपनी चीज़ों को कैसे अपने घर की चीज़ों को ही अपने बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हमारी एक्सपर्ट से हम अभी बहुत कुछ सीखेंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ, पर देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है पंजाब के पटियाला। पटियाला के बारन गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारा विशेष कार्यक्रम पराली पर है। पराली को संभालने के लिए पंजाब के किसान क्या करते हैं? हैप्पी सीडर नाल, सुपर सीडर नाल, स्मार्ट सीडर नाल, बाकी गट्ठा बन के बेलर नाल चका के भी पराली का प्रबंध किया जा सकता है। पराली जलाने से क्या नुकसान होता है? पोल्यूशन होता, पोल्यूशन के नाल फिर हेल्थ पे जड़ा असर पैंदा लोगों के, मतलब सांस की प्रॉब्लम्स आती हैं। पंजाब सरकार ने अभी लॉन्च करी है एप्लीकेशन जिसका नाम है उन्नत किसान एप्लीकेशन। खेत में ही इन सीटू और एक्सीटू के मेथड से पराली का प्रबंधन किया जा रहा है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब दिवाली थी तो घर को तो आपने खूब सजाया होगा, फूल पौधे पत्तियों से हरा भरा रंग बिरंगा बनाया होगा,
लेकिन दिवाली के बाद अब इन फूलों का क्या किया जाए, पत्तियों को कहाँ फेंका जाए, फेंकना क्यों है, इनको हम घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक तरीका आना चाहिए। क्या है वो तरीका, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सुंदर कॉर्नर दिखाती हूँ जो कि मेरे घर का सेल्फी पॉइंट बन चुका है। ये एक लोहे का जीना था और यहाँ पे कुछ प्लांट्स रखे रहते थे, तो मुझे ये कॉर्नर बड़ा डल नज़र आता था क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही है, तो मैं इसे बहुत सुंदर बनाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड का ये 25 साल पुराना स्कूटर था जिससे हम काफ़ी इमोशनली अटैच थे, ये कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ था, मैंने इसी को पेंट करके यहाँ सजा दिया। हमारे कार से जितने टायर्स निकले उनको मैंने पेंट करके उनमें प्लांट्स लगा दिए। ये एक मेरे बाथरूम का एक ग्लास का वॉश बेसिन था जिसका टॉप टूट गया था, तो उसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया और उसमें एक ट्रे गार्डन बनाया है। ये दो विंडोज़ जो मैंने बनाई हैं ये कुछ ग्लास को सेव करके जो पैकेजिंग में यूज़ करते हैं जिससे कि कांच रास्ते में टूटे नहीं, उसमें लग कर आई थी, मैंने इनको पेंट किया और यहाँ सजा दिया। ये भी एक ऐसे ही डेकोर का एक पार्ट था जो टूट गया था नीचे का, मैंने उसको कलर करके उसके अंदर भी कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं। यहाँ ये लोहे का जीना था, बहुत डल लगता था, तो मैंने कुछ प्लांटर हैंगिंग प्लांटर्स लगाए हैं यहाँ पे, कुछ स्नेक प्लांट लगाए हैं, जेड प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ पॉर्चुला लगाया है जिस पर सुंदर फूल खिले हुए हैं। मैंने इस कॉर्नर को इतना खूबसूरत बना दिया, सिर्फ सारा कुछ ट्रैश से ही सजाया है और ये अब मेरे घर का सेल्फी कॉर्नर बन चुका है। जो भी गेस्ट मेरे घर आते हैं वो सब लोग एक फोटो जरूर यहाँ खिंचवाते हैं। आइए आपको ट्रैश से बने हुए कुछ और ब्यूटीफुल आइटम्स दिखाती हूँ। ये एक पुराना लगभग 17-18 साल पुराना पॉट था जो छत पे रखा रहता था, इसमें कुछ कबाड़ा भरा हुआ रहता था, तो मैंने एक दिन इसको निकाला और सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए। मैंने इसको उल्टा करके रखा और उसके ऊपर एक गमला रखा, उस पर पेंट करके पूरा फेस बनाया और उसके अंदर एक गमला रखा एस्फेरेगस का जिससे कि वो बालों का इफेक्ट आए, और उसके हाथ मैंने बनाए हैं कुल्लड़ से, जो चाय के कुल्लड़ होते हैं उनसे मैंने उसके हाथ बनाए हैं। और ये अपनी बेटी का एक पुराना फ्रॉक था जो डिस्कार्डेड था, छोटा हो चुका था, तो उसको वो एक फ्रॉक की फॉर्म में पहना दिया जिससे कि वो एक परफेक्ट डॉल का लुक आ गया। इसी प्लांटर के बराबर में ये दो कैंडल स्टैंड हैं जो बहुत सालों से मेरे घर में कबाड़े में पड़े हुए थे, मैंने इनको निकाला, उनको रीपेंट किया और उनके ऊपर जो दो प्लांटर्स लगाए हैं उनमें दो क्लोरोफाइटम लगाए हैं, उनको जो पानी की बोतलें आती हैं जो सिंगल यूज़ वाटर बॉटल्स होती हैं उनको कट करके उनके दो प्लांटर बना दिए और उसमें क्लोरोफाइटम के पौधे लगा दिए। मेरे घर में कुछ पेंट का काम हुआ था तो कुछ ये एक एक लीटर के ये पेंट के डब्बे खाली हुए थे, तो मैंने उनको पेंट किया और इन पे कुछ ये आँख वगैरह बना के, और ये पानी की बोतल के जो ढक्कन होते हैं उन्हीं से ये आँखें बनाई हैं और उसमें ये पौधे लगा दिए हैं। ये कुछ ट्रे गार्डन्स मैंने बनाए हैं वेस्ट मटेरियल से। ये ब्रोकन पॉट अरेंजमेंट है, जो मेरे गमले टूट चुके थे उसी को लगा के मैंने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, और इधर ये कुछ मशरूम्स लगा दी हैं, ये कि ये बैम्बू की जो कुल्फ़ी की स्टिक्स आती हैं उससे ये सीढ़ी बनाई है। और मेरे घर में एक स्विमिंग पूल था उसकी कुछ टाइल्स निकल गई थी, तो उस टाइल्स से मैंने इसका ये फ्लोर बना दिया है और इसमें कुछ ये स्नेक प्लांट्स की वैरायटी लगाई है। ये एक जेड प्लांट का ट्रे गार्डन मैंने तैयार किया है, इसमें मैंने एक मंदिर बनाने की कोशिश की है जो ये एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक शिव जी का मंदिर है, नंदी जी साथ में हैं, ऊपर घंटी लगी हुई है। उसी के बराबर में एक जेड प्लांट का ही एक और ट्रे गार्डन है जिसमें एक लड़की झूला झूल रही है। उसी के बराबर में मैं एक और ट्रे गार्डन है जिसमें एक रॉक के ऊपर मैंने एक प्लांट लगाने की कोशिश की है, उसको बोनसाई का रूप देने की कोशिश की है। छत पर बागवानी कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, अभी भी बहुत कुछ जानना बहुत कुछ सीखना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान,
टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है DD किसान। छत पर बागवानी कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी की कोशिश रहती है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे घर में है हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके, लेकिन कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर किया कैसे जाए, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि कैसे हम वेस्ट को बेस्ट में बदल सकते हैं। हमारी कॉलोनीज में सब जगह जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ बड़े इंटरेस्टिंग मटेरियल भी मिल जाता है कभी कभी। जैसे कि मैं आपको ये ब्रिक दिखाती हूँ, ये मेरे को ब्रिक वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे ही दिखी, तो आप देख सकते हैं इसमें होल्स हैं, अंडर साइड में आपको दिख रहा होगा इसमें होल्स हैं। तो मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कहा कि इसको अगर मैं ये सोचा मैंने कि अगर इसके अंदर मैं अगर प्लांट्स लगा के देखूं और अगर वो उग जाते हैं तो इट विल बी अगेन अ न्यू थिंग टू यू नो बी टू यूज़ इट। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सेंसिवीरा लगाया है, सेंसिवीरा है, वॉन्ड्रिंग ज्यू है, जेड है, सीडम्स हैं, इस टाइप के प्लांट्स आप इसमें लगा दीजिए। बस थोड़ा सा पानी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसके नीचे हम एक ऐसी ट्रे रखें जिसमें पानी उसको मिलता रहे। अनदर वर्टिकल गार्डन विच इज़ अगेन बींग यूज मैंने बनाया है इससे, पाइप्स और थोड़े से पुराने बैम्बू के पीसेज हैं उनको भी यूज़ किया है। तो इसमें जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल लगाया हुआ है, तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल ऐसे गोल हैं जैसे पर्ल होता है। इसमें आप ये वाला पाइप जो है इसके अंदर मैंने जैसे क्रिप्टेंथिस वगैरह लगा रखा है, हॉर्थिया, कोई भी आप सक्यूलेंट लगाइए इसके अंदर। और ये वैसे मेरे लिए तो वेस्ट नहीं है, पर ये एक्चुअली पोखरन का मिट्टी से बनी हुई बर्ड्स हैं, तो आप तो जानते ही हैं पोखरन में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उसके बाद जो वहाँ का एरिया था डेजर्ट का वो सारा यूज़लेस हो गया था, क्योंकि सॉइल नहीं यूज़ कर सकते आप, उसमें रेडिएशन के रहता है इफ़ेक्ट। तो वहाँ के लोगों ने उसको वेस्ट को कैसे यूज़ किया उसका एक एग्जांपल है ये दीज बर्ड्स। अब हर एक के घर में अगर उतना ज़्यादा नहीं है, बालकनी है तो बालकनी में आप एज ए वर्टिकल गार्डन इन चीज़ों को उगाएंगे तो आपके लिए एक कॉर्नर बन जाएगा जहाँ आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली आप ये देखिए, ये एक मग है जो कि ऊंचाई वाला मग है, इसमें काफ़ी सॉइल आ सकती है। तो जब ये टूट गया तो मैंने वही सोचा कि मैं इसको एज अ कंटेनर यूज़ कर लूं, और क्योंकि ये काफ़ी टूटा हुआ है तो इसके अंदर फिर मेरे को डिफरेंट ये लगाने पड़े पीसेस टू होल्ड द सॉइल, जिसे सॉइल निकल ना जाए। अभी इसके अंदर और मैं प्लांट्स, और भी प्लांट्स लग सकते हैं इसके अंदर, जैसे हॉर्थिया लगा सकती हूँ या कैम्पफायर लगा सकती हूँ, जेड लगा सकती हूँ। ये भी एक सिरेमिक मग है जो बच्चों के लिए कुछ कलरफुल चीज़ें लाते हैं, रहते हैं सुंदर। तो अब जब ये क्रैक हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है कि इसको कैसे यूज़ करें, कैसे हम इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी अपनी वो करें, यूज़ करें, और इसको रीयूज़ करने के लिए ही मैंने इसके अंदर फिर एक वैसे ही नीचे बहुत सारे गमले के पत्थर भर के, गमले के टुकड़े भर के, फिर उसके अंदर मैंने इसको प्लांट्स लगा दिए, वही कम पानी और कम धूप की रिक्वायरमेंट वाले। और इस तरह से मैं उसको, इसको मैं अगर ट्रैश नहीं करना चाहती हूँ तो दिस इज़ वन वे आई कैन यूज। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ये मटका है, ऐसे मटके हमें मिलते हैं जो थोड़े लंबे वाले होते हैं, जो सुराही वाले होते हैं। तो ये वाला मटका भी ऑब्वियसली टूट गया, चटक गया, तो यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो एक दो मेरे पास ये आइडिया था कि मैं ऊपर इसके कोई प्लांट लगा दूं, एंड हो गया मेरा कंटेनर का। पर फिर मैंने सोचा क्योंकि ऑलरेडी ऊँचा है तो उसके लिए मुझे कोई फ्लैट कुछ फैलने वाला पौधा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये एल्पिनिया है, यू कैन सी 3-4 तरह के इसमें रंग हैं पत्तों में,
और बहुत ही सुंदर है, अंडर साइड भी सुंदर है, ऊपर से भी बहुत सुंदर है। तो इसको लगाने के बाद फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं थोड़ी लेयर्स बनाऊँ, मतलब डिफरेंट लेवल पे प्लांट्स लगाऊँ। तो अब मैं इसको लेवल तो क्रिएट करने के लिए कुछ होल्स बनाने पड़ेंगे, तो इसमें मैंने कुछ होल्स बनाए हैं ये आपको दिखाने के लिए। देखिए जैसे ये है, तो इसको सिंपल थोड़ा सा गीला करके और थोड़ा पेचकश से धीरे 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 करके इसके अंदर मैंने ऐसे एक लेवल, ये एक तो ये लेवल हुआ, एक इस लेवल पे मैंने फिर सेंसीवेरिया लगाए हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं, इसके अंदर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर मैंने एक थर्ड लेवल बनाया, वही ऐसे ही छेद करके, और इसके अंदर ये जेड लगाया है। तो इसके अंदर फिर हमने ऐसे चार जगह ऐसे दो दो होल करके, और अंदर से ये मोटा वाला एल्युमिनियम वायर जो बॉन्साई के लिए हम यूज़ करते हैं उसको घुमा दिया, और इतनी स्पेस बनाई कि इसके अंदर ऐसे दिए वाले हम छोटे छोटे सक्यूलेंट्स इसमें लगा दें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि एक सिंपल जो पॉट था, क्ले पॉट वॉज ब्रोकन, यू कैन क्रिएट टीयर्स ऑल्सो, यू कैन मेक डिफरेंट लेवल्स ऑल्सो। तो ये सब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। Another thing which we generally, you know, use at home and generate this waste. तो ये जो coconut shell है इसमें एक और छेद already है इसके अंदर, आप आराम से इसको खोल सकते हैं यहाँ से। और क्योंकि ये natural material है तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, एक कोई भी इसका छेद को cover करने के लिए एक pebble लगा लीजिए और उसके बाद इसमें soil mixture डाल लीजिए, जो जो आपका रेगुलर सॉइल मिक्सचर होता है। इस तरह से इसको आपने भरा और इसके बाद कोई भी सक्यूलेंट आप लगा सकते हैं। तो ये एक सक्यूलेंट है जिसका नाम है ऑक्स टंग, क्योंकि इसकी जो शेप है ये ऐसी है जैसे किसी की टंग होती है और काफ़ी थिक है ये। ये भी एक सक्यूलेंट है, वेरी हार्डी। आप इसको इसके अंदर आराम से लगा के इस तरह से, और इसके अंदर आप मिट्टी भर लीजिए। और इसको आपने जैसे कुछ चार पाँच छः जो भी चाहिए बना लीजिए आप, और इनको आप हैंग कर सकते हैं। तो ये मैंने दो तीन लगा रखे हैं इसमें ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। तो हम जब टेराकोटा के पॉट्स यूज़ करते हैं तो जब हम यूज़ करते हैं वो टूटते भी रहते हैं टाइम के साथ, तो कई टुकड़ों को तो हम यूज़ कर लेते हैं किसी अरेंजमेंट में, या उससे हम गमलों के अंदर नीचे एक लेयर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर फिर भी हमारे पास कई टुकड़े रह जाते हैं और उनको हम अगर फेंकेंगे तो वही बेकार है, उनके डिग्रेडेशन नहीं होगी उनकी, तो वो सॉइल में भी ऐसे ही रहेंगे। तो क्योंकि गर्मियों में हम टेरेस गार्डन में या कहीं पे भी जब हम गार्डनिंग करते हैं तो पानी बहुत इवेपोरेट होता है और पानी की समस्या भी रहती है, तो मैं उन टुकड़ों को अच्छी तरह ज्योमेट्रिकली अरेंज कर देती हूँ अपनी सॉइल के नीचे। जनरली मेरे बॉन्साई होते हैं जो, तो उनकी क्योंकि शैलो ट्रे होती हैं, पानी बहुत देर तक उसमें रहता नहीं है, उड़ जाता है, तो उस पानी की इवेपोरेशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर गमले के पीसेस को अच्छी तरह से अरेंज कर लेते हैं, तो उससे पानी भी हमारा कंजर्व हो जाता है और वो ट्रे जो है वो ब्यूटीफाई भी हो जाती है। एंड नथिंग यू हैव टू पे फॉर इट, यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग, सिंपली यू जस्ट यूज देम। कार्यक्रम में बारी है इस सप्ताह के गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन आपको बताने की। इस हफ्ते का गार्डनिंग क्विज क्वेश्चन ये है कि कौन सी सब्जी अम्लीय भूमि के लिए सहनशील है, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी भिंडी, या फिर ऑप्शन डी
प्याज। अब जिनको भी पता है इसका सही जवाब, उनको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है chatparbagwani@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा छत पर बागवानी, कमरा नंबर 28, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें, यूट्यूब के माध्यम से भी आप अपने सही जवाब हम तक पहुँचा सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप अपने सही जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी आपसे, लेकर आएंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक बार फिर। तो हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप चलते चलते नजर डालिए कुछ खास वीडियोस पर जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजी हैं, उनमें फीडबैक भी है और उनके एक्सपीरियंसेस भी है। नमस्कार।